ब्राह्मण इस प्रक्रिया में थे, लेकिन बुद्ध के जन्म लेने के कारण और बुद्ध के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण उनकी ये सारी जो व्यवस्था थी, जो इतने सालों से वो लगे हुए थे, वो सारा का सारा ध्वस्त हो जाता है। अब जब प्रतिक्रांति होती है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बृहद बुद्धिस्ट राजा की हत्या की जाती है और ब्राह्मणों के हाथ में जब सत्ता आती है, तो वो उस वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, लेकिन चूंकि बुद्ध ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से ब्राह्मणों ने सबक लिया और सबक लेकर वो वर्ण व्यवस्था को कठोरता से समाज में प्रस्थापित करने की भूमिका में आए। और इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो वर्ण व्यवस्था, जो कि दूसरे चरण में गुण और कर्म के आधार पर थी और गुरु द्वारा वर्ण डिसाइड होता था, मनुस्मृति में नियम बना दिया गया कि ये वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होगा। इसको कैसे किया गया इसको समझने का प्रयास करते तो सुमिति भार्गव ने, या यूं कहे कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर थी, उसको जन्म के आधार पर घोषित कर दिया। तो वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए सुमिति भार्गव ने क्या क्या किए, नियमों में क्या क्या बदलाव किए, इसको हम जानने का प्रयास करते। तो पहला, उसने गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया। जो दूसरे चरण की पद्धति थी वर्ण व्यवस्था निर्धारण की, उस गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया। दूसरा, गुरु द्वारा बालकों के वर्ण निर्धारण का अधिकार समाप्त कर दिया, गुरु का ऑथोराइजेशन खत्म कर दिया। तीसरा, वर्ण का निर्धारण करने का अधिकार पिता को दे दिया। तो सुमिति भार्गव ने मनुस्मृति के नियम बनाकर ये तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो आप अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें, तो पहले चरण में हर चार साल में वर्ण का निर्धारण होता था, दूसरे चरण में गुरु द्वारा वर्ण का निर्धारण होता था और वो जीवन पर्यंत उसी वर्ण में रहता था। अब सुमिति भार्गव ने क्या किया, गुरु का कार्य हटा दिया, गुरुकुल को भी हटा दिया, और वो जो वर्ण का निर्धारण करने का अधिकार है वो ब्राह्मण को यानी पिता को दे दिया। अब पिता को जब वो अधिकार दे दिया, तो पिता अगर ब्राह्मण वर्ण का है तो अपने बच्चे को ब्राह्मण ही बनाएगा, वो शूद्र का ही बनाएगा, चाहे उसका बच्चा कितना भी नालायक हो। तो इस तरह क्या किया, सुमिति भार्गव ने मनुस्मृति के कानून बनाकर उस वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया, यानी जो जिस परिवार का होगा उस परिवार में उसी वर्ण का बच्चा पैदा होगा, उसके लिए गुण और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसा भी हो वो उसी वर्ण का माना जाएगा, क्योंकि ये उपनयन संस्कार का अधिकार पिता को दे दिया। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन सुमिति भार्गव द्वारा किया गया कानून बनाकर। अब इसका परिणाम क्या आया, अब चूंकि पिता को अपने पुत्र का उपनयन करने का अधिकार था, अतः पिता अपना वर्ण अपने बालक को देने लगा, इस प्रकार यह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। अब ये जो, इसे हम तीसरा चरण कह सकते हैं प्रतिक्रांति के बाद। बुद्ध के पहले वर्ण व्यवस्था के दो चरण हुए और प्रतिक्रांति के बाद मनुस्मृति ने जिस वर्ण व्यवस्था की संकल्पना रखी और जो विशेष प्रक्रिया बताई, उसे हम वर्ण व्यवस्था का तीसरा चरण कह सकते हैं। तो इस चरण से क्या हुआ, तो इस चरण से ब्राह्मणों को लाभ ही लाभ हुआ। अब वो कैसे कैसे लाभ हुआ कि वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित बनाने से ब्राह्मणों को चारों ओर से लाभ ही लाभ था। ब्राह्मणों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को उच्च पद और प्रतिष्ठा का निरंतर उपभोग करने को मिले, चाहे उनमें गुण या योग्यता हो या नहीं। क्योंकि जन्म आधारित एक बार बन गई तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होगा, तो उसे उसके लिए उसका योग्य होना नहीं देखा जाएगा, उसका कर्म नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, इसलिए वो हर प्रकार का सुख संपन्नता का उपभोग कर सकता है, अधिकारों का उपयोग कर सकता है। ये ब्राह्मणों को लाभ हुआ। प्रत्येक ब्राह्मण को, चाहे वह कितना भी भ्रष्ट और अयोग्य क्यों न हो, पद और गौरव मिले ताकि उच्च स्थान पर बिठाया जाए। पद और गौरव मिला यानी ब्राह्मणों की श्रेष्ठता उसमें सिद्ध, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करने की एक प्रक्रिया थी, चाहे उसके अंदर योग्यता हो या ना हो। प्रत्येक ब्राह्मण को विशेषाधिकार और एकाधिकार से लाभान्वित किया।
अब जो मनुस्मृति ने नियम बनाया था कि ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिलेंगे, ब्राह्मणों को एकाधिकार मिलेंगे, अगर अगर वर्ण आपस में या लोगों के वर्ण बदलते रहेंगे तो फिर ब्राह्मणों को फायदा कैसे होगा इस विशेष अधिकार और एकाधिकार का। तो मनुस्मृति ने तो ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिया, एक अधिकार एकाधिकार दिया, तो उसका लाभ केवल ब्राह्मणों को मिले ये भी तो निश्चित करना था। ये निश्चित करने के लिए ये डिसाइड करना पहले जरूरी था कि ब्राह्मण के घर ही ब्राह्मण पैदा हो, तभी तो निरंतर उस ब्राह्मण परिवार को एकाधिकार और विशेषाधिकार मनुस्मृति ने जो डिसाइड किए उसका लाभ लेने को मिलेगा। दूसरा, प्रत्येक ब्राह्मण को ब्राह्मणवाद के समर्थन में खड़ा करना, चाहे वह मूर्ख भ्रष्ट अयोग्य गधाई क्यों ना हो। तो इस प्रकार के जो वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया मनुस्मृति ने बनाई या नियम बनाए, तो उससे क्या हुआ कि प्रत्येक प्रकार के ब्राह्मण का समर्थन मनुस्मृति को मिला, इस वर्ण व्यवस्था को मिला, चाहे वह ब्राह्मण गधा हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, बलशाली हो, जैसा भी हो, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण का समर्थन मनुस्मृति को मिला। तो मनुस्मृति ने जो वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट रखा उससे ये बहुत बड़ा फायदा ब्राह्मणों को मिला, लाभ ही लाभ मिला। तो मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत बनाने के लिए या जन्म के आधार पर बनाए रखने के लिए एक और कार्य किया, उसने ब्राह्मणों को और गैर ब्राह्मणों को एक दूसरे से अलग कर दिया। ब्राह्मण वर्ग की आइडेंटिटी अलग बनाई और गैर ब्राह्मणों की आइडेंटिटी अलग बनाई, ताकि ब्राह्मणों को ही उन अधिकारों का लाभ मिल सके। इसके लिए सुमिति भार्गव ने या मनुस्मृति ने क्या बताया, उन्होंने किस तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि बौद्ध पूर्व काल की जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी वो एक उदार व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें विवाह के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। अलग अलग वर्णों को तो लोगों ने स्वीकार किया था, लेकिन उन वर्णों के लड़का और लड़कियों के बीच में आपस में विवाह हो सकते थे। किसी भी वर्ण का पुरुष किसी भी वर्ण की महिला से विधि पूर्वक विवाह कर सकता था। अब इसके कुछ उदाहरण बाबा साहब देते हैं, जैसे कि शांतनु ये क्षत्रिय वर्ण के थे और गंगा ये शूद्र वर्ण की थी, तो इनका आपस में विवाह हुआ। शांतनु क्षत्रिय वर्ण के थे, मतलब शांतनु ने दो शादियां की, तो क्षत्रिय वर्ण के थे, और मत्स्य गंगा शूद्र वर्ण की थी और धीवर का काम करते है, मछली पकड़ने का काम करते है उसकी थी। विश्वामित्र ये क्षत्रिय थे और इन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा से शादी की थी। अयाति ये क्षत्रिय थे, इन्होंने देवयानी नाम की ब्राह्मण लड़की से शादी की थी। दूसरा, अयाति ने एक और दूसरी शादी की थी, वो शर्मिष्ठा नाम की लड़की थी और ये असुरी या अनार्य इन्हें कहा जाता था। और जरात कारु ये ब्राह्मण व्यक्ति था, ब्राह्मण लड़का था, इसने जरातकारी इस नाग अनार्य लड़की से शादी की थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग वर्णों के बीच में विधि पूर्वक विवाह होता था। ये बुद्ध के समय की बात या बुद्ध के समय के पहले की बात इसे कहा जा सकता है कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें आपस में वर्णों के बीच में विवाह होता था। अब देखिए बाबा साहब ये कह रहे हैं आगे कि अगर किसी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि उन वर्णों के बीच में आपस में विवाह होता था, तो वो लोग जो है व्यास करके एक व्यक्ति, शायद प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा, तो व्यास की वंशावली देखे, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते। अगर हम व्यास की वंशावली को देखे तो वरुण मित्र और उर्वशी इन दो लोगों की शादी हुई और इनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था वशिष्ठ। अब वशिष्ठ की शादी हुई अक्षमाला से, इनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था शक्ति। अब शक्ति, इसमें शक्ति की शादी किससे हुई इसका नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन शक्ति का पुत्र हुआ जिसका नाम था पाराशर, और पाराशर की शादी हुई मत्स्य गंधा से,
और इन दोनों से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है व्यास। अब यहाँ पर ये दिखाई देता है कि पाराशर जो है ये तो ब्राह्मण वर्ण से संबंधित था और मत्स्य गंधा ये शूद्र वर्ण से संबंधित महिला थी और इन दोनों का पुत्र हुआ व्यास नाम का व्यक्ति।